वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोन वैली. फ्रेंड्स, आज हम लोग सोन वैली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सोन वैली का मैप देखते हैं. जो सोन वैली का मैप है वह किस प्रकार हमारे सामने दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सोन वैली के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सोन रिवर के बारे में देखेंगे. तो देन लेट अस गेट स्टार्टेड. सोन रिवर इज द एवरलास्टिंग रिवर लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया. यानी कि जो सोन रिवर है यह एवरलास्टिंग रिवर है, यानी कि हमेशा बहने वाली नदी है और यह सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है. इट ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक हिल इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड फाइनली मर्ज विद गंगा नियर पटना इन बिहार. यह फ्रेंड्स जो है, अब हम इसको मैप के अनुसार देखेंगे. यानी कि यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिनेट होती है और यह फाइनली गंगा में पटना के करीब मिल जाती है. तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके मैप इसको मैप के अनुसार देखते हैं कि मैप में हम किस प्रकार देख सकते हैं इसको. देखिए, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ से ये गंगा नदी निकली, ये सोन रिवर आगे फ्लो होती हुई जाती है और यहाँ पर जाते जाते यहाँ देखो गंगा रिवर बह रही है और यहाँ पटना है, इसी के करीब में इससे मिल जाती है. तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा आफ्टर यमुना. यानी कि जो सोन रिवर है यह यमुना रिवर के बाद गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है. देहरी ऑन सोन एंड सोनभद्र आर द मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द सोन रिवर. यानी कि देहरी ऑन सोन और सोनभद्र टू मेजर सिटीज हैं जो कि सोन रिवर पर सिचुएटेड हैं. चलिए अब हम लोग मैप में देखते हैं कि ये सोनभद्र कहाँ है. सोनभद्र यहाँ है, तो सोन रिवर में यह यहाँ पर सिचुएटेड है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज अबाउट 784 किलोमीटर. यानी इस रिवर की जो टोटल लेंथ है वह 784 किलोमीटर है. नोट, सोन रिवर शाइन लाइक गोल्ड ड्यू टू इट्स येलो कलर सिल्ट्स सो इट इज कॉल्ड सोन. यानी कि जो सोन रिवर है वह येलो कलर के सिल्ट के कारण गोल्ड की तरह हमें शाइन अर्थात चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसे सोन के नाम से जाना जाता है. द डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी मेड ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द एक्सकवेशन ऑफ सोन वैली. यानी जो एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, इसने एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन बनाया और यहाँ पर एक्सकवेट किया. इसके बाद एक्सकवेट किया, वह जो एक्सकवेशन था वह अंडर द गाइडलाइन ऑफ गोवर्धन राय शर्मा मीन्स जी आर शर्मा. यहाँ पर यानी कि सोन रिवर पर जो एक्सकवेशन था वह गोवर्धन राय शर्मा के द्वारा, यानी कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन था इनका था और भी कई आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया था. तो लेकिन जी आर शर्मा मेन थे सोन वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक्सकवेट करने के लिए. तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं. देन फ्रेंड, एक्सकवेशन यानी कि एक्सकवेशन ऑन द सोन वैली सिविलाइजेशन. टॉकिंग अबाउट द एक्सकवेशन ऑन द सोन वैली सिविलाइजेशन, वी फाइंड दैट देयर वर थ्री स्टेज ऑफ एक्सकवेशन लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. जो फर्स्ट स्टेज था एक्सकवेशन का, उसमें हम देखते थे कि निसार अहमद इन 1960 मेड एक्सकेवेटेड ऑन द सोन वैली. ही स्पेशली एक्सकेवेटेड ऑन द अपर सोन वैली एंड 35 हिस्टोरिकल साइट्स एंड 167 टूल्स फाउंड. यानी निसार अहमद ने 35 हिस्टोरिकल साइट्स और 167 टूल्स को एक्सप्लोर किया सोन वैली सिविलाइजेशन से.
जो सेकंड स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि जीआर शर्मा, यानी जीआर शर्मा जो एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हैं, उन्होंने मिडिलसन वैली में अपना एक्सकेवेशन का कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स के फॉसिल्स के बारे में फाइंड आउट किया। और इसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेज में जीआर शर्मा प्लस जेडी क्लार्क, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थे जेडी क्लार्क, इन्होंने जोरहाट प्लस सोन संगम पर एक्सकेवेट किया और यहाँ से अनेक एविडेंसेज प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई सोन वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन के बारे में। हम सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोन वैली यानी सोन वैली सिविलाइजेशन में जो एक्सकेवेट किया गया था उसका फॉर्मेशन किस प्रकार था। तो यहाँ पर हमें चार प्रकार के फॉर्मेशन प्राप्त होते हैं, सिहावल फॉर्मेशन, पटपरा फॉर्मेशन, बागोर फॉर्मेशन एंड खेतुही फॉर्मेशन। तो ये चार प्रकार के फॉर्मेशन हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिहावल फॉर्मेशन, इट वॉज आइडेंटिफाइड एज द ओल्डेस्ट क्वार्टिनरी फॉर्मेशन फॉर्म बाय एलुवियल सॉइल्स, लोअर पैलियोलिथिक एचुलियन एंड हंड एक्सेज हैव बीन फाउंड। यानी जो सिहावल फॉर्मेशन था वह बहुत ओल्डेस्ट फॉर्मेशन था और यहाँ पर हमें टू प्रकार के जो टूल्स थे उसका एविडेंसेज देखने को मिलता है, जो थे एचुलियन एंड हैंड एक्सेज। यह दोनों ही टूल्स एंड वेपन्स लोअर पैलियोलिथिक से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली देखते हैं जो सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन है वह क्या है, परपरा फॉर्मेशन। दिस इज ए लुएसिक क्लिफ फॉर्मेशन ओवरलाइंग द सिहावल, यानी कि यह सिहावल के ऊपर पड़ा हुआ एक लुएसिक क्लिफ फॉर्मेशन था। अंडर इट आर्टिफैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज फाइनल एचुडियन, यानी परपरा फॉर्मेशन में ही हमें यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो आर्टिफैक्ट्स थे वह फाइनल एचुलियन के रूप में डिस्क्राइब किए गए हैं, यानी कि उनको एक्सप्लेन किया गया है। देयर इज ए डेट 1,03,800 प्लस माइनस 90,800 BB बिफोर प्रेजेंट, यानी कि जो परपरा फॉर्मेशन का डेट था वह इतना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑल आर्टिफैक्ट्स आर इन लाइट रेड ब्राउन कलर वाइल एक्सकेविटेड आर्टिफैक्ट आर इन सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट बट द ट्रांजिशन फ्राम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाज लिमिटेड ड्यू टू सम लेक्स, यानी कि जो आप कह सकते हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स जो थे उनका कलर लाइट रेड ब्राउन कलर का था और जो सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांजिशन था वह बहुत ही लिमिटेड था, यानी कि उसका कारण उसके लिमिटेशन के पीछे यह कारण था कि कुछ कमियां रही होंगी ड्यू टू सम लेक्स देयर वाज ए लिमिटेशन ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी पीरियड। तो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने दो प्रकार के फॉर्मेशन को देखा, दैट वे सिहावल फॉर्मेशन एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन वाज पटपरा फॉर्मेशन। सब्सिक्वेंटली वी विल टॉक अबाउट द बागोर फॉर्मेशन एंड आफ्टर इट खेतुंची फॉर्मेशन वाज डिस्कस्ड बाई मी। खेतुंची फॉर्मेशन विल बी डिस्कस्ड बाई मी, सॉरी फॉर दिस। फ्रेंड्स बागोर फॉर्मेशन को देखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। द आर्टिफैक्ट्स विच हैव बीन फाउंड एज सीमेंटेड ग्रेवल रिप्रेजेंट परपरा एज वेल एज बागोर मेंबर्स, यानी कि हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो सीमेंटेड ग्रेवल के रूप में पाए गए हैं, वह परपरा के कुछ फीचर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं एज वेल एज बागोर के भी कुछ मेंबर्स के रूप में एक उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब थर्ड जो फॉर्मेशन है यानी कि सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन बागोर फॉर्मेशन। दिस फॉर्मेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट लाइक लोअर एंड अपर कंपोनेंट्स, यानी कि बागोर फॉर्मेशन को हम टू पार्ट का डिवाइड करके देख सकते हैं जो कि था लोअर एंड अपर कंपोनेंट्स। लोअर कंपोनेंट्स इट इज कार्बोनाइज एज सीमेंटेड ग्रेवल एंड कोर्स सैंड, यह जो लोअर कंपोनेंट था वह सीमेंटेड ग्रेवल के रूप में कार्बोनाइज किया गया है एंड आल्सो कोर्स सैंड के रूप में भी कार्बोनाइज किया गया है। दिस लेयर कंटेन्स मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स एंड यील्ड्स मेनी फॉसिल्स फौना,
यह जो लोअर कंपोनेंट है यह अनेक प्रकार के फॉसिल्स फौना एंड पैलियोलिथिक टूल्स मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स को कंटेन करता है इंक्लूड करता है। एंड फ्रेंड्स इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है अपर कंपोनेंट। इट इज़ ए लेयर ऑफ द फाइन सिल्ट एंड क्ले विच कंटेन्स अपर पैलियोलिथिक टूल्स। यानी कि जो अपर कंपोनेंट था वह अपर पैलियोलिथिक टूल्स को इंक्लूड करता था और यह फाइन सिल्ट एंड क्ले से बना हुआ था यह लेयर। सम एपिपैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स रिपोर्टेड फ्रॉम द एबव 4 meters ऑफ दिस फॉर्मेशन। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है इसके 4 meters से अबव कुछ एविडेंसेज हमें एपिपैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट के भी प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स यानी कि सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन देखने से पहले एक छोटी सी फॉर्मेशन है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। फ्रॉम द बागोर फॉर्मेशन वी फाइंड सम टाइप्स ऑफ टूल्स दैट आर आइडेंटिफाइड विद दियर नेम। यानी कि बागोर फॉर्मेशन में ही हमें कुछ प्रकार के टूल्स प्राप्त होते हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। माइक्रो एंड माइक्रो ब्रेडलेट्स ट्रायंगल्स बैक्ड ब्रेड्स एटसेट्रा। यानी कि माइक्रो एंड माइक्रो ब्रेडलेट्स पाए गए हैं, ट्रायंगल्स बैक्ड ब्रेड्स एटसेट्रा एटसेट्रा पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो क्या है, खेतुई फॉर्मेशन। दिस इज द लास्ट एंड यंगेस्ट फॉर्मेशन इन ऑल ओवर सोन वैली। यानी पूरे सोन वैली में यह यंगेस्ट और लास्ट फॉर्मेशन था। देयर इज ए डेट ऑफ 3000 to 4000 BP। यानी इसका जो डेट था वह 3000 to 4000 BP तक था। इट कंप्राइजेज मेनी टाइप ऑफ टूल्स लाइक न्यूलिथिक पोर्ट सड्स माइक्रोलिथ ब्लेड्स। यानी न्यूलिथिक पोर्ट सड्स और माइक्रोलिथ ब्लेड्स के एविडेंसेज प्राप्त होते हैं। देन फ्रेंड्स हमने अब तक जो चारों फॉर्मेशन देखा था, अब हम उसके चारों फॉर्मेशन को इसके मतलब इसके फिगर के अनुसार देख लेते हैं। सी हॉल फॉर्मेशन यानी कि यहाँ तक मिलता है 0 to 6 meters तक, और जो बागोर फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन जो फिगर है जो लेयर है वो यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलता है, और खेतोही का फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि बागोर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, लोअर कंपोनेंट्स एंड अपर कंपोनेंट्स, वो यहाँ पर आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में, चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। At last, we can say that Sun Valley is a very important topic to study the civilization in any Paleolithic phase. In spite of tools, it provides us many other types of evidences that would help for the archaeologist. यानी कि अनेक प्रकार के टूल्स और एविडेंस यानी कि यह अनेक प्रकार के टूल्स एंड एविडेंसेज प्रोवाइड कराती है जो आर्कियोलॉजिस्ट को जानने में बहुत हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अगला देखते हैं। आइदर बेलन आर सोन वैली गिव्स अस मोर वैल्यूएबल अकाउंट्स टू नो अबाउट द सदर्न उत्तर प्रदेश सिविलाइजेशन। यानी कि जो सोन वैली और बेलन वैली हैं ये सदर्न उत्तर प्रदेश सिविलाइजेशन जो है उसके जो सदर्न उत्तर प्रदेश है उसके सिविलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम सोन वैली के टॉपिक को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर।